जोहार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मैं आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ बातों बातों में, जहाँ पे हम ऐसे लोगों से बातें करते हैं जिनसे मिलकर आप अच्छा लगता है, बड़ा ही खुशी मिलती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सुशील अंकन सर, जो कि मारवाड़ी कॉलेज में अभी फोटो एंड फिल्म निर्माण विभाग में कार्यरत हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रेडियो खांची 90.4 FM पे। धन्यवाद सर। के बारे में लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई कर रखी है और उसके बाद पत्रकारिता में भी इन्होंने मास्टर किया है, साथ ही साथ इन्होंने फिलॉसफी में भी मास्टर किया है। और फिर इनके बारे में और भी बता दूं कि ये एक आर्टिस्ट भी हैं, फिल्म मेकिंग भी करते हैं, साथ ही साथ इन्हें फोटोग्राफिक में भी बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी है सर का। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है इस बारे में। मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से रांची में ही हुई है जी, क्योंकि मेरा जन्म भी रांची में हुआ है जी। मेरा पहला स्कूल जो था वो बहुत पुराना एक म्युनिसिपल स्कूल था, जो पहाड़ी टोला स्कूल कहलाता था, गाड़ी खाना में, कुमार टोली के कोने पर है गाड़ी खाना जी। और उसी स्कूल से मैंने सेवंथ क्लास तक किया है, क्योंकि वो प्राथमिक विद्यालय था तो सातवां तक की ही पढ़ाई होती थी वहाँ। उसके बाद मैं मारवाड़ी कॉलेज स्कूल में चला गया, मारवाड़ी स्कूल के बाद मारवाड़ी कॉलेज गया, मारवाड़ी कॉलेज के बाद फिर मैं कुछ दिनों के लिए जमशेदपुर चला गया था पढ़ाई करने। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया करीम सिटी कॉलेज से जमशेदपुर से, और चूंकि मास्टर डिग्री की पढ़ाई उस समय केवल रांची यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, तो फिर मुझे यहाँ फिर वापस आना पड़ा, आना पड़ा। लौट के बुद्धू घर को आए, यानी रांची फिर चले आए, और फिर मैंने यहाँ से मास्टर किया डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी से। एंड आई वॉज टू टॉप, उसमें दो सेक्शंस हुआ करते थे उस समय के, लड़कियों में टॉप कौन करता है, लड़कों में टॉप कौन करता है, तो लड़कों में मैं टॉप था जी। तो मेरी नौकरी हो गई तुरंत फिर यहाँ जी, और नौकरी हो गई। उसके बाद मैं बिरसा कॉलेज खूटी में मेरी नियुक्ति हो गई, एंड आई वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देयर फिलोसफी में जी। और करीब 9 साल तक वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैं रांची वापस भेज दिया गया हमें कि आप जाओ रांची में, और फिर मैं मारवाड़ी कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से ट्रांसफर हो गया बिरसा कॉलेज खूटी से जी। तो लगभग 20 वर्षों तक मैं मारवाड़ी कॉलेज में फिर पढ़ाया, फिलॉसफी ही पढ़ाया, और उसके बाद 2010 में मुझे फिर पीजी भेज दिया डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। काफ़ी दिनों तक यहाँ भी पढ़ाया, उसके बाद पत्रकारिता विभाग में मुझे निदेशक बना दिया गया, तो बहुत सारे पत्रकारों से मुलाकात हो गई, और पत्रकारिता विभाग में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल काम किए वहाँ, तो विद्यार्थियों का चहेता बन गया वहाँ। उस पीरियड में मुझे दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, विभाग को मिले, यूनिवर्सिटी को मिले हाँ। उसके बाद फिर मेरा स्थानांतरण वहाँ से हो गया अपने पैरेंटल डिपार्टमेंट फिलॉसफी में, और 2019 में मैं रिटायर हो गया जी। और 2019 में रिटायर करने के बाद मारवाड़ी कॉलेज मुझे फिर से बुला लिया, और वहाँ मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट ही खोल दिया, और तब से लेकर अभी तक वहाँ चला रहा हूँ। यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्किंग फील्ड रहा है जी। मतलब कह सकते हैं सर, रांची से जो आपका लगाव है, वो एक लाइन है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए, तो बस रांची और आपका जो है ऐसा ही कुछ रिश्ता है। तो सर, आपने बताया कि आप मारवाड़ी कॉलेज के फोटोग्राफी जो विभाग है उसमें अभी हैं, तो उस विभाग के बारे में बताइए सर, वहाँ का कोर्स फी क्या है, क्या ड्यूरेशन है पूरे कोर्स का, उस बारे में सर डिटेल से हमारे लिसनर्स को बताइए। जरूर 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 जी सर। ऐसा है ना कि आज आप भी मेरे बातों से इत्तेफाक रखेंगी जी, कि आज हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। जैसे पहले एक कहावत थी कि हर व्यक्ति दार्शनिक है भारतवर्ष में, इच एंड एवरी पर्सन इज फिलोसोफर हियर, तो आज वही कहावत थोड़ा टर्न ले लिया है कि इच एंड एवरी पर्सन इज फोटोग्राफर हियर, है ना। सबके पास मोबाइल फोन है और सब फोटोग्राफर हो गए हैं। तो मेरा मानना ऐसा था कि फोटोग्राफी अगर कोई सीख ले थोड़ा सा, और फोटोग्राफी में सीखने जैसी वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बात है जो आदमी सीख ले तो अच्छा फोटोग्राफी कर सकता है, और अपने बटर एंड ब्रेड के लिए भी फोटोग्राफी करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि विद्यार्थी जो हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, अगर वो लोग ऐसा सीखते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा फोटोग्राफी का हुनर सीख लिया, तो अपने रोजी रोटी के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
का वो जो है वैसा कर सकते हैं वो जी। मारवाड़ी कॉलेज में जो हमने खोला, अभी खोला क्या, वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें इनवाइट किया कि आप एक प्रपोजल बनाइए। डॉक्टर यूसी मेहता थे वहाँ उस समय प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो भटक रहे हैं, आज बेरोजगारी समस्या है, तो इससे कुछ तो निजात मिले यहाँ के विद्यार्थियों को। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया वहाँ और एकेडमिक काउंसिल से ये प्रोजेक्ट पास हुआ और उसका सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास हुआ और उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई 2020 से ही। तो ये अभी वहाँ दूसरा बैच निकल रहा है, अभी वहाँ से पहला बैच पास आउट हो गया। ये एक्चुअली जुलाई में अनाउंसमेंट होता है एडमिशन के लिए वहाँ, और जब पहली बार अनाउंस हुआ ये कोर्स, तो लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि भाई झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में डिजिटल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग की पढ़ाई नहीं होती थी। ये पहली बार डिजिटल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग की पढ़ाई शुरू की गई मारवाड़ी कॉलेज, पूरे झारखंड में ये पहला बनी। और लोगों का रिस्पांस, माने जो विद्यार्थी को थोड़ी भी रुचि है फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग में, और आप तो जानते ही होंगे कि आजकल हर स्टूडेंट हीरो अपने आप को समझता है। बिल्कुल सर, ना लड़कियां हीरोइन समझती हैं अपने आप को और एक्टिंग वगैरह बड़ा फटाफट भी करती हैं वो लोग। तो मुझे लगा कि अगर इनको एक सही दिशा दे दी जाए तो काम बड़ा अच्छा हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से वो विभाग खोला गया और बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसका। जब पहले बैच में तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए थे हमारे पास, लेकिन हमने छाटा कि नहीं, शुरुआत है, थोड़ा कम स्टूडेंट्स से ही इसको शुरू करना चाहेंगे हम लोग। तो हमने बहुत कम स्टूडेंट्स को, सिर्फ 10 विद्यार्थियों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया और देखा कि इसका फीडबैक क्या रहेगा हमारा, तो फिर नेक्स्ट बैच से हम स्टूडेंट्स पढ़ा देंगे। तो देखा कि बहुत अच्छा फीडबैक रहा फर्स्ट बैच में हमारे। इसमें क्या है कि वो बच्चे जिनको थोड़ा भी लगाव है फोटोग्राफी के लिए और जो फिल्म बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। और आप शायद सुनी भी होंगी कि जो बच्चे फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं और बाहर चले जाते हैं, जैसे मुंबई में गए, वहाँ भारत का एक फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, या सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता जो है वहाँ चले गए, या नोएडा में बहुत सारे आजकल प्राइवेट तौर पर भी खुल गए हैं फिल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूट। तो वहाँ जब जाते हैं झारखंड के बच्चे, तो उनको फीस के रूप में लाखों रुपए देने पड़ते हैं जी, है ना। और एक कोर्स को 3 साल का 5 साल का ऐसे बना के उनसे ईयरली फीस लिया जाता है, मोटी रकम, बहुत मोटी रकम। तो एक कोर्स करने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च विद्यार्थी उठाते हैं, और घर से बाहर भी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बाहर में रहने का खर्च, खाने का खर्च सब उठाना पड़ता है। वही कोर्स कंडेंस करके यहाँ सिर्फ 1 साल का किया गया है और मात्र 30,000 रुपए लगते हैं उसमें। तो कहाँ 4 लाख 5 लाख और कहाँ 30,000, और वो भी घर में रहो, घर का खाना खाओ और मस्ती में क्लास करो। तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है ये कोर्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। अब हम लोगों को छांटना पड़ रहा है एप्लीकेशन उसमें। इसकी जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है कि कौन एडमिशन ले सकता है, तो इसका एडमिशन लेने का जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो प्लस टू के बाद अगर 45% से एग्रीगेट उसका ज्यादा है और किसी भी स्ट्रीम का है वो, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो वो ले सकते एडमिशन। चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी का हो बच्चा, चाहे रांची का हो, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी ले सकता है एडमिशन। बाहरी बच्चों को माइग्रेशन लाने की जरूरत पड़ती है ना जी। यही है। और कोर्सेज जिसके जो सिलेबस जो हैं, जो मॉड्यूल है, कोर्स मॉड्यूल, वो इतना अच्छा बना है कि उससे अधिक की जरूरत नहीं होती है। तो सर फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं हम, तो आज के डेट में जब से सर स्मार्टफोन आया है, हर एक इंसान फोटोग्राफर होता है। हाँ, बिल्कुल। सेल्फी लेने का तो मतलब अलग ही क्रेज है हमारे बीच। तो एक अच्छा फोटोग्राफर, एक अच्छा मोबाइल फोटोग्राफर बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या एंगल्स हमें पता होने चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छा सा फोन होना चाहिए जिसके चलते लोग अपने पापा मम्मी से लड़ाई करते रहते हैं कि हमें अच्छा फोन दिलवा दो। बहरहाल, यानी अच्छा फोन रहने से क्या होता है ना कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, तो उसका इस्तेमाल आप हर तरह से कर सकते हैं जी। तो एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात है कि जो फोटोग्राफी का बेसिक ग्रामर वो जानना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि बेसिक ग्रामर क्या होता है, वो क्या है बेसिक ग्रामर? तो बेसिक ग्रामर फोटोग्राफी का यही है कि कंपोजिशन, लाइट्स,
और बैकग्राउंड, अगर आपको इसकी समझ आ गई कि हम किस बैकग्राउंड में, किस कंपोजिशन में और किस लाइटिंग में हम तस्वीर उतार रहे हैं, तो आप अच्छी तस्वीर ले पाएंगे, अगर इसकी समझ हो गई तो। तो बेसिक तौर पर हम यही सिखाते हैं उन लोगों को सबसे पहले कि आप देखिए आपका कंपोजिशन क्या है, आप लाइट सोर्स आपका क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या। तो इस तरह से जब बेसिक ग्रामर उनको बता देते हैं तब उनको समझ आ जाती है बात, और वो अच्छी तस्वीर उतारने लगते हैं। आप तो भी चाहे तो उतार सकते हैं। बिल्कुल सर, ट्राई करेंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का तीन ही मूल मंत्र है कि आपको लाइटिंग, कंपोजिशन और बैकग्राउंड का मालूम होना चाहिए, आप फोटो खींच सकते हैं। सर, बात हम फोटोग्राफी की कर रहे थे, फिल्म मेकिंग की कर रहे थे, तो आपसे अब जानना चाहेंगे कि आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो आप पहली जो फिल्म थी वो कब आई और क्या थी वो फिल्म? वो फिल्म थी बिना सर पैर। अब हंसोगे इस पर कि बिना सर पैर की फिल्म कैसे होती है। तो जब हम लोग बच्चे थे, मतलब छोटे थे, बच्चे कहने का मतलब जब छोटे थे, 1972 की बात मैं बता रहा हूँ, मेरा जन्म 1954 का है, तो 54 से 72 कितना वक्त गुजरा, देख लो। सर, मैं आई भी नहीं थी इतना ही। हाँ, कैलकुलेट करके देख। तो रांची में हम लोग सिर्फ सुनते थे कि फिल्में होती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, रांची में कुछ सिनेमा घर थे तो उसमें फिल्में चलती थी, लेकिन सिनेमा बनती कैसे है। तो एक जापान से एक डॉक्टर आए थे रांची, वो उनके पास एक कैमरा था सिनेमा बनाने वाला, और चूंकि फोटोग्राफी मेरा शौक था, बचपन से शौक था, हमारे चाचा जी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर थे, तो घर का माहौल भी फोटोग्राफी का था, तो शौक था मेरा। तो वो डॉक्टर साहब ने वो कैमरा मेरे को दे दिया कि हम क्या करेंगे इस कैमरे को, मेरे को कुछ अता पता नहीं है, सो ये तो कैमरा आप खरीद लो या इसको बिचवा दो, पैसा मेरे को दे दे। तो हम बोले कि ठीक है, मैं रखता हूँ अभी अपने पास, देखता हूँ अगर कोई कस्टमर मिलता है तो मैं इसको बेच के पैसा आपको दे दूं। तो जब उस कैमरे को मैंने अपने पास रखा कुछ दिन तक, तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस पर एक फिल्म तैयार की जाए। तो मेरा एक मित्र था जिसका रॉय स्टूडियो रांची में हुआ करता था, मेन रोड में। तो रॉय स्टूडियो का जो मित्र था उससे मैंने कहा कि देख, मेरे पास एक कैमरा है लेकिन इसका कौन सी फिल्म लगेगी इसमें मेरे को नहीं पता, बता मेरे को। तो उसने कलकत्ते से मेरे लिए उस कैमरे के लिए फिल्म मंगवा दिया, उसमें रेगुलर 8 की फिल्म लगती। रेगुलर 8 फिल्म का नाम भी तुम लोगों ने शायद ही सुना होगा, वो रील, फिल्म वाला सेलुलाइड रील होता था 8 मिलीमीटर, इसलिए उसका नाम रेगुलर 8 था। एक सुपर 8 आता था, एक रेगुलर 8 आता है। तो रेगुलर 8 के 4 चक्के उसने मंगवा दिए, माने 400 मीटर, एक चक्के में 100 मीटर होता था। तो 400 मीटर का सेलुलाइड रील मेरे को मिल गया, कलकत्ते से आ गया वो। उसी एक एक चक्के को उस फिल्म कैमरे में डाल के और मैनुअली यानी हाथ से चाबी भर के उसमें, जैसे खिलौने नहीं होते हैं चाबी वाला खिलौने, चाबी वाले आज बच्चों के जो आते हैं। हाँ, तो क्राउन जूम कैमरा होता था वो, और उसमें हाथ से ही चाबी भरने का होता था, और चाबी भर के फुल करके उसके बाद शूटिंग शुरू करते थे उसमें। वो चाबी से ही चलता था, आजकल की तरह बैटरी से नहीं चलता, चाबी से। तो पहली बार बे सिर पैर की फिल्म मैंने यहाँ डैम में शूट किया, कांके डैम में शूट किया, अरगोड़ा स्टेशन पर शूट किया, कुछ हिस्से मेन रोड में शूट किया उस समय का जो हिस्सा था, और एक स्टोरी लाइन बनाया कि दो दोस्त हैं, दोनों किसी मुद्दे पर आपस में लड़ गए। कहने का मतलब है कि कोई कहानी नहीं, बेसिर पैर की फिल्म, लेकिन वो फिल्म मेरे लिए और मैं समझता हूँ पूरे रांची के लिए या झारखंड के लिए संभवतः पहली फिल्म, उसका रील आज भी मेरे पास है, लेकिन उसको दिखाने के लिए प्रोजेक्टर नहीं मिलते हैं अब रेगुलर 8 के। कभी मौका मिले तो आइए मेरे पास, वो एंटिक पीस है, एंटिक चीज है, उसको आप देखिए जरूर। और उस रील में अभी भी आप देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे चित्र दिखेंगे जी। तो 1972 में मैंने वो पहली फिल्म बनाई थी जी। और उसके बाद तो फिर वो सिलसिला जारी है, स्वास्थ्य तक अनवरत चल रहा। और आप चूंकि आप लोग मीडिया पर्सन हैं तो आप देख लें यहाँ कि 1972 से पहले भी कोई इस तरह का प्रयास हुआ है क्या झारखंड में फिल्म बनाने का? जी बिल्कुल सर, हम इस पर रिसर्च करना चाहेंगे कि क्या 1972 से भी पहले मूवीज बने थे झारखंड में। तो आपकी इस फिल्म को जो आप कह रहे हैं बेसिर पैर की, इतना ही जान सकते कि एक कलाकार के हाथ में औजार थमा दो, फिर कुछ तो चमत्कार देखने को जरूर मिलेगा। ये तो है।
बहुत सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि झारखंड जो है सर, यहाँ पे कलाकार और प्रतिभाओं का कमी नहीं है, तो यहाँ फिल्म मेकिंग में क्या स्कोप? अरे फिल्म मेकिंग में बहुत स्कोप है ना जी। जो कलाकार होता है ना, वो कहीं भी कलाकार ही रहता है, जैसे मैं। बिल्कुल सर। देखो, कलाकार को चाहिए क्या, सिर्फ उसकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन होता रहे, चाहे मंच के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, या सिनेमा के माध्यम से, स्क्रीन फिल्मों के माध्यम से, है ना। और मालूम ही होगा कि आज भारत वर्ष में फिल्म उद्योग जो है कितने हजार करोड़ रुपए का है, है ना। तो कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये काम शुरू कर सकता है, एक व्यवसाय की तरह। जैसे मान लो, एक उदाहरण मैं बताता हूँ, मान लो आप ही हो जी। आप यूनिवर्सिटी से पास करें, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में या फिल्म मेकिंग, तो आप कैसे फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग को ऑक्यूपेशन बना सकते हो, बिजनेस बना सकते हो, कैसे? तो आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, किसी के लिए डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, उसको सेल आउट कर सकते हो, दूरदर्शन को बेच सकते हो। इतने सारे चैनल्स हैं अभी, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, डिस्कवरी है, और नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल। अगर आपका डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा है, कोई भी खरीद सकता है उसको जी। अगर ये आप नहीं कर सकते हो, तो एक छोटा सा दुकान तो खोल ही सकते हो फोटोग्राफी के लिए। आजकल फोटोग्राफी का यूज तो हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, इंडस्ट्री हो, मेडिकल हो, कोई फील्ड उठा के देख लो, बिना फोटोग्राफी के कुछ नहीं होता। इवन अगर आपको लोन भी लेना है तो फोटोग्राफ चाहिए, बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो फोटो चाहिए। है ना, एडमिशन लेना है तो फोटो चाहिए। कहीं कंटेस्ट में भाग ले रहे हैं तो फोटो चाहिए। बिना फोटो के आजकल कुछ नहीं होता है, क्योंकि फोटो जो है ना, वो एक आइडेंटिटी बन गई। आधार कार्ड तो फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस तो फोटो, हर जगह फोटो। बिना फोटो, चूंकि फोटो ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तो फोटोग्राफी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जीवन के हर फील्ड में फोटो की जरूरत है, तो फोटोग्राफी की पढ़ाई की जरूरत क्यों नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं भी हम जाएं तो एक तस्वीर तो हमें चाहिए ही होता है। आप कहीं भी जाओ, विदेश जाओ, तो फोटो चाहिए। पासपोर्ट में बिना फोटो के पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका जी, सर, बिल्कुल सर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से। फोटोग्राफ क्या है? दैट इज एक इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंटेड एक फॉर्म। आपका पहचान है कि हाँ, लोग कैसे आपको जानेंगे या पहचानेंगे कैसे कि हाँ, ये यही बंदा हाँ, है, यही व्यक्ति ये है। पहचान बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे रेडियो खांची की पहचान है ना, हम सब का रेडियो, पंच लाइन है। हाँ, हम सब का रेडियो। तो ये आपकी तस्वीर, आपकी तस्वीर। सर, एक आर्टिस्ट आप भी हैं, तो बात अगर हम आर्टिस्ट की कर रही हैं, कला की कर रहे हैं, तो जरा एक डायलॉग हमारे लिसनर्स को सुना दीजिए, कोई भी। अरे बाप रे, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, तो एक कुछ अपना डायलॉग। डॉक्यूमेंट्री में डायलॉग नहीं होते हैं सर, आपने बनाए तो है ना सर, आप उसमें एक्टिंग भी किए हैं, आपने कई सारी फिल्में भी बनाई हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बात यहाँ पर जरूर बतानी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री जो होता है ना, वो फैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन होता है जी। फैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। और जो फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स जो है उसमें आप अपना इमेजिनेशन डालते हैं। तो डायलॉग की आवश्यकता, संवादों की जरूरत जो होती है ना, वो फीचर में होती है। फिल्मों में होती है, फीचर में होती है। हाँ, जहां पर हम अपना इमेजिनेशन डालते हैं, ठीक है ना। और जो डॉक्यूमेंट्री होता है, वो डॉक्यूमेंट्री में संवाद की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती है, क्योंकि वहां जो हो रहा होता है, जो फैक्ट्स होता है, वो फैक्ट्स को हम डॉक्यूमेंट करते हैं जी। जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमने शूट कर लिया उसको और हमने दिखा दिया उसको, वहां कोई संवाद की जरूरत नहीं। उस फैक्ट्री में कैसे सामान बन रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पैक हो रहा है, ये जब हम दिखाते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट्री। और वहां संवाद की आवश्यकता भी नहीं है, भले आप बैकग्राउंड वॉयस से या नरेशन से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक डायलॉग की बात है, ये डायलॉग रंगमंच में या फिल्मों में होता है, जो फीचर जिसको कहते हैं। तो सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अब एक डायलॉग सुना दीजिए कोई बढ़िया सा। यही तो गड़बड़ है ना। नहीं, यही तो बात है ना सर, हमने बताया और मैंने मियां की जूती और मियां का सर।
हमने एक्सप्लेन किया और अब आप डायलॉग सुनाइए। बिल्कुल सर। अच्छा मैं सुना दूंगा, सुना दे, कॉल कर रहा हूँ कि कौन सा सुनाऊं। जी लिसनर्स बिल्कुल हाँ। याद रखिएगा सर, जाने से पहले एक डायलॉग जरूर सुनाएंगे हमें। हाँ, जरूर। अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक रहे हैं आप, एक कलाकार रहे हैं आप, अपने फिल्में भी बनाई हैं, तो इन सारी चीजों में कैसे बैलेंस कैसे कर पाते हैं? लोगों को बताइए कि कैसे ढेर सारी चीजें जब एक साथ लोग करते हैं तो बैलेंस करना काफी मुश्किल होता है, तो आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? विल पावर। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप सब कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों में इच्छा शक्ति की ही बड़ी कमी हो जाती है ना, तो इसलिए विल पावर अगर जिसमें है वो सब कुछ कर सकता है। मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ, ठीक है, रात को सोते सोते 10, 10:30, 11 बज जाते हैं। मैं सोया कितनी देर? 4 से 5 घंटे। सिर्फ 4 से 5 घंटे मैं सोता हूँ। 24 घंटे में अगर 5 घंटे हम निकाल दें, बचे कितने? सर आपके पास 19 घंटे बचे। 19 घंटे मैं काम करता हूँ। हमारे मित्र हंसी मजाक में बोलते भी है कि भाई भारतवर्ष का प्रधानमंत्री काम करता है 19 घंटा और तुम भी करते हो, तो फर्क क्या है दोनों में? हम बोले कोई फर्क नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं यहाँ का हूँ। बिल्कुल सर, आप अपने प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या होता है ना, इसे दिन को बड़ा करना। मैंने अपने दिन को बड़ा कर लिया, दिन तो 24 घंटे का ही होता है ना। बिल्कुल सर। लेकिन जो विद्यार्थी अपने दिन को बड़ा कर लेता है, यानी उसके वर्किंग आवर बड़े हो जाते हैं, अधिक समय मिलता है काम करने की, और विल पावर है, इच्छा शक्ति है अगर विद्यार्थियों में, तो वो हर फील्ड में काम कर सकता है, चाहे रंगमंच हो, फिल्म मेकिंग हो, कविता लेखन हो, कहानी लेखन हो, साहित्य लेखन हो, या पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, रंगोली बनाना हो, संगीत हो, किसी भी क्षेत्र में वो पूरा का पूरा काम कर सकता है अगर उसने अपना दिन बड़ा कर लिया तो। समय का सदुपयोग। यस यस यस। सर अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे थिएटर्स किए हैं, तो उससे जुड़ी कुछ एक स्टोरी जो आपके लिए यादगार लम्हा रहा, यादगार पल रहा, हमारे लिसनर्स के साथ, रेडियो खांची के श्रोताओं के साथ आप साझा करिए। बड़ा कठिन कठिन सवाल पूछती हो। देखो ऐसा है कि हर प्रोडक्शन के साथ कुछ न कुछ जुड़ा ही होता है ना। जितने भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, चाहे वो रंगमंच में हो, थिएटर में ऑन स्टेज हो या फिल्म हो, तो हर प्रोडक्शन के साथ कुछ बातें निश्चित रूप से जुड़ी होती हैं जो अच्छी लगती हैं। जो उसमें तकलीफें हुई वो भी याद रहती है, और जो अच्छाई होती है वहाँ, या जो हंसी मजाक का माहौल चलता है वो भी याद होता है। याद तो दोनों रहते हैं जी। अच्छी यादें भी और बुरी याद, लेकिन बुरी यादों को हम लोग जज्ब कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं और अच्छी यादों को शेयर करते हैं, है ना। इससे माहौल बहुत, एम्बियंस जो है हमारा वो अच्छा होता है। एक दूरदर्शन की घटना मैं सुनाना चाहूंगा, उसके बाद फिर रंगमंच में आता हूँ। दूरदर्शन में एक बार हम लोगों की शूटिंग चल रही थी रांची दूरदर्शन का, और उस फिल्म का नाम था धंगरीन। धंगरीन यहाँ की भाषा में कहते हैं नौकरानी, मेड सर्वेंट। अच्छा। धंगरीन है ना। तो मेरा रोल एक बीडीओ साहब का, जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होते हैं ना गांव देहात में, तो मेरा रोल उसका था, और मेरे को विजिट करना था गांव में, जो बीडीओ सब करते हैं। हाँ। भाई बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, तो बीडीओ हैं, एसडीओ हैं, सब वो भ्रमण करते हैं गांव में कि गांव की असल समस्या क्या है। तो मेरे को एक परिवार में जाना पड़ा, जाँच के क्रम में, मैं बीडीओ था गाँव का, जाना पड़ा मुझे। तो भाई स्वाभाविक है कि हमारे झारखंड में गाँव में मेहमान नवाजी बहुत है, आप जाएंगे तो आपको हाथ धुलाएंगे, आपका पैर धोएंगे, बैठाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जो भी बन पड़ा वो सामने रख देंगे कि आप खाइए, ठीक है ना। हम लोग शूटिंग सवेरे से शुरू किए थे, 9 बजे के आसपास, 9, 9:30, 10 बजे का समय रहा होगा, उस समय शूटिंग हम लोगों की शुरू हो गई। दूरदर्शन की पूरी टीम थी वहाँ, और ये हम लोग बोड़िया ग्राम है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ता है, बोड़िया में शूटिंग कर रहे हैं ना। और हुआ क्या कि शूटिंग करते 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 3 बज गए, तो 3 बजे और कोई लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था, और जब लंच ब्रेक नहीं हुआ था तो स्वाभाविक है कि सबको भूख लग रही होगी, है ना, दिल है कि मानता नहीं है ना, तो ऐसा ही है, पेट है कि मानता नहीं। तो खाने का टाइम हो गया था, लंच ब्रेक हो नहीं रहा था, डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ये छोटा सा पोर्शन है, इसको कम्प्लीट करके फिर लंच ब्रेक करेंगे। तो वैसे में मेरे को एक मौका मिल गया, चूंकि मैं गया था किसी परिवार में, और तो उस परिवार वाले ने मेरे सामने वो रसगुल्ला रख दिया था, गुड़ का रसगुल्ला, गांव में तो गुड़ का रसगुल्ला होता, तो वो रख दिया था सामने। जी।
ठीक है ना। और आपको पता होगा कि अगर एक टेक ओके नहीं हुआ तो दूसरा टेक भी फिर होता है, तीसरा टेक भी होता है। तो मैंने पहला टेक जानबूझ के गलत किया, वो एक रसगुल्ला खाने मिल गया। एक रसगुल्ला मैंने खा लिया, दूसरा टेक भी मैंने गलत कर दिया, फिर से एक मिला। तो पांच रसगुल्ला खाने के बाद मैंने पांच टेक देने के बाद छठा टेक ओके हो गया। जो पेट का भूख शांत हुआ, अब हार्ट टेक अब ओके हो जाएगा। भूख लगी थी कस के। तो उसके बाद डायरेक्टर ने इस तकनीक को मतलब समझ लिया उन्होंने कि ये शैतानी कर रहा है ये आर्टिस्ट, है ना। जो एक टेक में शॉट ओके देता हो वो पांच टेक ले रहा है, मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ तो झोल है। उसके बाद जब वो टेक ओके हो गया तुरंत उन्होंने लंच ब्रेक किया। वरना पता चला बार बार टेक पे टेक देने पड़ेंगे। उसके बाद सारे कैमरामैन ये सब खूब हंसे मिलके कि अंकन जी आपने तो बहुत मजा कर लिया आज। कम से कम इसी चक्कर में पांच पांच रसगुल्ले तो मिले, वो भी गुड़ वाले, बात ही अलग है। तो ऐसे बहुत सारी यादें रहती हैं जो कभी कभी याद आ जाती है तो अच्छा लगता है शेयर करने में। बिल्कुल, और जब भूख लगा हो तो ये याद काफी खूबसूरत लगेगा। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि यहाँ जो जॉलीवुड है, झारखंड का जो जॉलीवुड, उसका नामकरण आपने ही किया है, तो काफी इंटरेस्टिंग नाम है जॉलीवुड, तो क्यों सर, इसके पीछे की कहानी बताइए। इसके पीछे की कहानी मैं ये बताऊँ कि जिस समय झारखंड यहाँ बनने की प्रक्रिया चल रही, यानी सन 2000 से पहले, एक्चुअली ये नामकरण मैंने 2095 के आसपास में ही किया, लेकिन फिर ये दब गया था। इसलिए कि झारखंड बनने की प्रक्रिया चल रही थी, बहुत वाद विवाद हो रहे थे उस पर, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ काउंसिल बना दिया गया था कि भाई झारखंड कैसे अलग होगा। कई राजनीतिक पार्टियों ने तो कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, लेकिन अंततः झारखंड का निर्माण अलग राज्य के रूप में ये हो। ये 2000 की बात। तब मैंने इस शब्द को पुनः निकाला, है ना, जॉलीवुड निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि मुंबईया फिल्मों को हम लोग बॉलीवुड बोला करते हैं। जी हाँ। जो मुंबई में जो फिल्में बनती, मुंबई तो हम आज कहते हैं ना, पहले उसका नाम बॉम्बे था, बॉम्बे। तो बॉम्बे में जितनी फिल्में बनती हैं उसको बॉलीवुड कहते हैं। तो मैंने ये रिसर्च किया, मतलब ढूंढा कि इसको बॉलीवुड कहते क्यों। तब हमें उसका रूट कॉज मालूम हुआ कि ये हॉलीवुड से आया। ये हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड, आज हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, आज भी देखते हैं, तो ये हॉलीवुड क्या है? तब मुझे मालूम हुआ कि ये हॉलीवुड जो है एक गांव का नाम है, और ये लॉस एंजल्स अमेरिका में, लॉस एंजल्स में है हॉलीवुड, एक गांव है, है ना। हॉलीवुड का मतलब होता है कि एक ऐसा सुंदर गांव जहाँ जंगल से जो भरा पड़ा हो, जहाँ झरने हो, पक्षी चहचहाते हो, वहाँ का ब्यूटी, वहाँ का एम्बियंस बहुत खूबसूरत हो, मन भावन, वैसे गांव को नामकरण वहाँ दिया गया था हॉलीवुड। और जब वहाँ फोटोग्राफर जाते थे तो लोग तस्वीर खींचते थे वहाँ, धीरे धीरे ये फैल गया कि भाई बहुत सुंदर गांव है, वहाँ फिल्में भी बन सकती हैं। तो जो अमेरिका के जो फिल्म मेकर्स थे वहाँ जाने लगे, तो वहाँ फिल्में बनने लग गईं। तो वैसी फिल्मों को कहा गया कि ये हॉलीवुड में बनी फिल्म। अगर कोई फिल्म रांची में बनती है तो हम कहते हैं ना कि ये रांची में बनी फिल्म है, तो वो फिल्में हॉलीवुड में बनी, यानी हॉलीवुड एक गाँव का नाम है जो बहुत खूबसूरत है, और वहाँ वो फिल्म बनी, तो हम कहने लग गए उसको कि ये फिल्म हॉलीवुड में बनी, ठीक है ना। अब चूंकि हॉलीवुड में बनी है, लोगों को आने जाने में कष्ट होता था वहाँ, तो धीरे धीरे कैंप स्टूडियो वहाँ बनने लगा, माने टेंट लगा के ही वहाँ स्टूडियो बनाने लग, और धीरे धीरे वो फिर पक्का कंस्ट्रक्शन हो गया और वहाँ बहुत सारे स्टूडियोज बन गए। और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में प्रचारित हो गया कि हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं और वहाँ बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, ठीक है ना, तकनीक बहुत विकसित हो गया। तो ये हॉलीवुड जो नामकरण हुआ, बॉम्बे वालों ने क्या किया, बॉम्बे के पहला अल्फाबेट, सिर्फ एक अल्फाबेट को उसमें से हटा दिया, और हॉलीवुड का एक अल्फाबेट एच हटा के, हॉलीवुड का जो फर्स्ट अल्फाबेट था एच, उसको हटा के बॉम्बे का बी ऐड कर दिया, तो वो वर्ड बन गया बॉलीवुड, ठीक है ना। जैसे बॉलीवुड बना, तो तमिलनाडु में जितनी फिल्में बन रही थी, तो तमिलनाडु वालों ने क्या किया, हॉलीवुड के एच को हटा के तमिलनाडु का टी डाल दिया,
तो वो टॉलीवुड बन गया, और बाद में टॉलीवुड को फिर बंगाल वेस्ट बंगाल वालों ने अपना लिया, टालीगंज से जोड़ दिया उसको। इसी तरह लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जो थी उसका एल जोड़ दिया, उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट, और लॉलीवुड बना दिया। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का जो था तो पी जो हटा के उसको एच को हटा के पी लगा दिया, तो पॉलीवुड हो गया। तो झारखंड के लिए जब हमने सोचा कि जब झारखंड के लिए फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो एच को हटा के हम झारखंड का पहला अल्फाबेट जे लगा देंगे, तो जॉलीवुड बन गया। तो इस तरह से मेरा लॉजिक इसके पीछे यही था कि एक एक अल्फाबेट को चेंज करके नामकरण किया गया है सभी फिल्म इंडस्ट्री का। तो अगर झारखंड में कभी फिल्म इंडस्ट्री बनी या बनेगी तो उसका क्या नाम हो सकता है? तो इसलिए हॉलीवुड के फर्स्ट अल्फाबेट को रिप्लेस किया जे से, तो जॉलीवुड बन गया। और जब जॉलीवुड ये शब्द निर्मित हो गया, ये क्वाइंड हो गया शब्द, तब हमें लगा कि जॉली और वुड ये दो अलग शब्द हैं। जॉली का मतलब है कि बहुत खुश रहना, हम लोग कहते हैं हाँ बातचीत में ही कहते हैं ना, बहुत जॉली मूड की लड़की है, बहुत जॉली मूड का लड़का है। तो यानी अब हम देखें इसको कि झारखंड अपने ओरिजिनल स्टेट में, झारखंड अपने प्राकृतिक स्वरूप में बहुत खुश है, बहुत समृद्ध है। झारखंड के लोग बहुत समृद्ध हैं, खुश हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध। इस अर्थ में भी जॉली जो है एक प्रतिनिधि शब्द बन गया। उड उड यानी जंगल, जो कि झारखंड पूरा जंगल से भरा पड़ा है। तो दोनों शब्द मिलके बहुत सार्थक संदेश देने वाला एक शब्द का निर्माण हो गया जॉलीवुड, और ये प्रतिनिधि शब्द हो गया झारखंड की फिल्मी दुनिया के लिए जॉलीवुड, अंग्रेजी के अक्षर के रूप में। और अंग्रेजी के अल्फाबेट में झ नहीं होता है, हाँ जे होता है। तो उस दृष्टि से मैंने सोचा कि लॉजिकली जे होना ज्यादा सही है। और फिर मेरे को सपोर्ट कहाँ मिला, सपोर्ट इसमें मिला कि जैसे झारखंड में जितने नामकरण हुए हैं, जैसे जेपीएससी, वो जे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, या झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल तो जेआईसी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो जेएसईबी, जो भी है इसका झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन तो JOA, तो सबों ने J शब्द एक अकेला अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है, किसी ने J के साथ H को नहीं जोड़ा है, यानी झ को नहीं लगाया। तो हमें लगा कि नहीं, J एक अकेला वर्ड अपने आप में समर्थ है, और J से जॉलीवुड होना ज्यादा सार्थक शब्द है, ज्यादा स्मार्ट वर्ड। ऐसे भी सुन के देखो ना, जॉलीवुड थोड़ा नहीं लगता कि झोला टाइप का है कुछ? हाँ, वो झोली से झोला वाला वो एक आ रहा है। तो इसीलिए अपने स्टेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत स्मार्टली रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। और जॉलीवुड, जॉली एक स्मार्ट वर्ड के रूप में आता है हमारे सामने, और जॉली का मतलब भी है खुश मिजाज रहना। यहाँ के लोग अपने ओरिजिनल स्टेट, झारखंड की जो प्रकृति है लोगों को खुद में ही जॉली मूड बना देती है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ कहावत भी है ना कि यहाँ तो बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। बिल्कुल सर, है ना। तो ये झारखंड की पहचान है, इसलिए जॉलीवुड मेरी समझ से बहुत ज्यादा इसको प्रतिनिधि देने वाला शब्द है और बहुत स्मार्ट वर्ड है। तो जॉलीवुड ही शब्द, अंग्रेजी अखबार जितने भी है ना वो सब जॉलीवुड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे डेक्कन हेराल्ड हो, बहुत पहले इधर आता था डेक्कन हेराल्ड, या हिंदुस्तान टाइम्स हो, या टेलीग्राफ हो, सभी ने जॉलीवुड शब्द को ही लिया, एक्सेप्ट किया अपने अखबार में। सबकी कटिंग है मेरे पास, है ना। और हिंदी में भी पहले जॉलीवुड ही लिखा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको झोली कर दिया, जिसको अच्छा लगा झोली कर दिया। और हमें लगता है कि उन लोगों को इतनी समझ नहीं रही होगी कि ये झोली क्यों है और जॉली। तो आज बच्चे अब समझ गए इस बात को, क्योंकि मैं सेंट जेवियर कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो सेंट जेवियर के भी बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, जॉलीवुड इज द करेक्ट वर्ड, और हम लोग इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में भी सर कान को एक सुकून देना जो होता है ना, वो जॉलीवुड जो है वो देता है, और वो एक बोलने के बाद ही लोग खुश मिजाज हो जाते हैं जॉलीवुड। हाँ, जॉलीवुड में जैसे तुम खुश हो गए। बिल्कुल सर। और सर, आपका पूरा जो वाक्य था, ये पूरा जो आपका रिसर्च था जॉलीवुड बनाने पे, ये सुनने के बाद इतना मालूम पड़ा कि एक शब्द जो होता है उसका काफी वैल्यू है।
शब्दों का तो अर्थ जो है ना, बहुत मतलब गंभीर होता है। एक एक शब्द से जो है वो इतना बड़ा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। हॉलीवुड में था तो वो हॉलीवुड के फिल्में हो गई, बॉलीवुड में बॉलीवुड हो गए, बस बी एच जे फर्स्ट अल्फाबेट चेंज करते जाओ, नामकरण बदलते चला गया। बहुत बड़ी सीख मिली हम लोगों को, और लिसनर्स को भी जानकर अच्छा लगा होगा कि एक शब्द का क्या वैल्यू होता है हमारे लाइफ में। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे, काफी देर से ये क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा था, सर आपके इतने यंग दिखने के पीछे क्या राज है? हमारे लिसनर्स आजकल के जो यंग जनरेशन है वो यंग दिखने में ही भागी फिरती है, सर आप इस एज में भी इतने यंग दिखते हैं तो? आज जाके मुझे या तो नहाना पड़ेगा या तो अपने आप को क्या बोलते हैं ना, न्यूछना। हाँ सर वो न्यूछना ही पड़ेगा कहीं नजर ना लग जाए। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है जी। ये तो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है जी। ईश्वर का दिया हुआ मन है, तो ये ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा योगदान नहीं है। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, मन में कोई ईर्ष्या द्वेष कोई दुख तकलीफ मैं मन में कभी नहीं रखा। हमेशा अपने विद्यार्थियों की मैंने मदद की है, और मैं मुझे कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए ही बने, अपने जीवन में मैंने कुछ अपने लिए नहीं किया, और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी किया समाज के लिए किया, अपने विद्यार्थियों के लिए किया, तो उसका जो फल मिलना है मेरे को, कहावत है ना कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, तो हमें लगता है कि जो मैंने किया अपने जीवन में उसी का प्रतिफल है जो हमको मिला है। तो इससे हमने क्या सीख लिया और समाज को क्या सीख लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करते जाना चाहिए, ऊपर वाला खुद ब खुद ये फल देता है, और मैंने भी वही किया, इसलिए मेरे मन में न कोई बोझ है न कोई लिप्सा है न कोई लोभ है, बस जो है सो अच्छा है, बस कर्म करते बस जाओ फल की इच्छा, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणे, ये भी तो गीता भी हमारे यही उपदेश देती है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कर्म करते जाओ, कर्म ही पूजा है। अगर हम मंदिर न गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने काम नहीं किया तो परेशानी होगी, है ना। इसलिए धर्म से भी बड़ा हम कर्म को मानते हैं, और हर मनुष्य को कर्म अपने जीवन में अपने हिस्से का कर्म करते रहना चाहिए। अब देखना एक प्रकृति ने हमारे बॉडी में क्या मैकेनिज्म फिट किया है कि हमारा जो हृदय है, हृदय जिसको हम लोग दिल कहते हैं, दिल दिल से बहुत सारे गाने भी हैं फिल्मों में, दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल बन के धड़कते रहेंगे, एक बहुत सारे उदाहरण भी है ना, दिल धड़कता रहता है। दिल का काम क्या है? धड़कना। जिस दिन दिल धड़कना बंद हो जाए उस दिन क्या होगा? सांसें रुक जाएंगी। ये शरीर शरीर रहेगा? बिल्कुल। इस शरीर को लोग तुरंत बोलेंगे हटाओ, घर से बाहर भेजो, तो दिल क्या करता है? सिर्फ अपना काम करते रहता है, धड़कता रहता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऊपर वाले ने फिट किया हमारे बॉडी में, और दिल धड़कता क्यों है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांसें जो हम लेते हैं वही दिल को धड़काता है ना। तो इसमें बॉडी के बहुत सारे अंग हैं, जैसे हमारा फेफड़ा है जिसमें सांस रुकता है, फिर वो पहुंचता है एयर, वो दिल ब्लड सर्कुलेशन ब्लड पंप होता है, ब्लड पहुंचता है दिल तक, वो धड़कता है, माने एक मैकेनिज्म है। अगर ये अपना काम बंद कर दें तो, ये अपना कर्म बंद कर दें तो खत्म हो जाएंगे। तो मनुष्य को चाहिए अपने हिस्से का काम कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म को अपने हिस्से के कर्म को करना ही असल में धर्म है। जो हम धारण करते हैं वही तो धर्म है ना। तो धर्म भी यही है, कर्म ही धर्म है। मंदिर में जाना पूजा करना ये हमारा सामाजिक व्यवहार है, लेकिन जो वास्तविक जो हम कर्म करते हैं वही कर्म सबसे बड़ा धर्म। तो इसलिए हर इस विद्यार्थी को मैं यही सीख देता हूँ कि अपने हिस्से का काम तुम अवश्य निरंतर करते रहो, करते रहो, करते रहो, फल की चिंता मत करो। वैसे भी कहते हैं ना सिर्फ काम ही पूजा होता है, अगर आप काम करोगे तो हर फिक्र जो है वो अपने आप दूर रहेगी आपसे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बिजी रहेगा। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और ये लाइन काफ़ी मोटिवेट कर रही है, और हमारे जो लिसनर्स हैं यंग जनरेशन के स्पेशली जो लिसनर्स हैं उनको काफ़ी मोटिवेट करेगी। कर्म करिए और हर फिक्र को धुएं में उड़ाते जाइए, बस मस्ती में रहना चाहिए जी, जॉलीवुड में बिल्कुल सर आपकी तरह। मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ व्यस्त रहो
मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। इसी के साथ एक मैसेज दे दीजिए सर हमारे लिसनर्स को आप। मैं तो यही कहना चाहूंगा, व्यस्त रहो, मस्त रहो और रेडियो खांची सुनते रहो 90.4 FM पर। हम सब का रेडियो, रेडियो खांची 90.4 FM। तो सर ने जब शो को इतने अच्छे से एंड किया है तो मैं क्या ही बोलूं, बस सर एक डायलॉग छूट गया, मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारे लिसनर्स को बिल्कुल याद होगा कि सर ने डायलॉग का वादा किया था। सर एक डायलॉग सुना दीजिए। क्या हुआ आपको, क्यों उठ के बैठ गए? रम्मी, रम्मी, मैंने एक सपना देखा, सपना देखा रम्मी, जिसमें बाबू और तुम एक झरने के नीचे पानी में खेल रहे हो रम्मी, और मैं तुम लोगों को दूर से देख रहा हूं, और देखते देखते मेरा पैर फिसल गया रम्मी और मैं गहरे पानी में डूबता चला गया। अचानक मेरा सर एक पत्थर से टकराया और मेरी नींद टूट गई और मैं पसीने पसीने हो गया। रम्मी तुम सब ठीक हो ना? बाबू सोया है? बाबू ठीक है ना? बोलो। हाँ, आप परेशान मत होइए, हम सभी सही हैं। तो लिसनर्स पता चला ना मैं क्यों सर के डायलॉग सुनने के लिए इतना प्रेशर डाल रही थी। सर वाकई आपने एक ब्यूटीफुल सा सीन जो है वो क्रिएट कर दिया हमारे स्टूडियो में बैठे बैठे और झट से लिखकर स्क्रिप्ट, और आपने इसे इतने बखूबी तरीके से रिकॉर्ड किया है। बातों बातों के आज के सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सुशील अंगन सर, जिनके साथ बात करने में कैसे वक्त गुजर गया मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, और कई सारी बातें जानने को मिली, मुझे भी सीखने को मिला और आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। अब आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM और मुझे दीजिए इजाजत।